तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषि बटन स्टोर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विस्टेरिया के पौधे पर। तो ये है हमारा विस्टेरिया का प्लांट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया ही था कि मैंने कहाँ से ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने पूरी डाल रखी है अपने मेन चैनल इसी वाले ऋषि बटन स्टोर पर। अब वहाँ जा करके जानकारी अधिक ले सकते हैं। फिलहाल आज मैं इसको जो है रिपोर्ट करूँगा। आज इसे कम से कम 2 महीने तकरीबन हो चुके हैं या उससे ऊपर भी कह सकता हूँ हो गए हैं। तो फिलहाल ये काफ़ी टाइम से यहाँ शेड वाले एरिया में एग्लोनिमा के साथ रखा हुआ था। तो आज मैं जो है इसको करूँगा रिपोर्ट और इससे थोड़े से बड़े साइज़ के गमले में लगाऊँगा। ये रहा, देख सकते हैं, ज़्यादा बड़े गमले में नहीं लगा वरना ओवर वाटरिंग की दिक्कत से ये पौधा आपका, ये क्या कोई भी पौधा हो, मर जाएगा। तो ये रहा हमारा, देखें गमला, इस गमले के अंदर मैं इसको लगाने वाला हूँ। और ये मिट्टी क्या ली है मैंने वो भी आपको बताऊँगा मैं, और किस तरीके का लिया है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। सबसे पहले तो ये हमारी मिट्टी जो है गार्डन सॉयल है, और नॉर्मल गार्डन सॉयल ही है पर इसको हम नॉर्मल नहीं बोलेंगे क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारे पहले से ही फर्टिलाइज़र का मतलब जो है इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट भी ले रखी है, और वर्मी कंपोस्ट के साथ इसमें थोड़ी कोकोपीड भी ले रखी है, नीम की खली भी है इसके अंदर, और फंगीसाइड भी दे रखा है। पर फंगीसाइड हम दोबारा से फिर से दे देंगे। आइए अब मैं इसको करता हूँ फिल। यह है हमारा गमला जो कि होगा 6-7 इंची का, 6 इंची का या 7 इंची का होगा। तो इसमें छेद देखें खूब ढेर सारे हैं, और ऐसे ही छेद होना चाहिए ताकि जो है आपका प्लांट अच्छे से चले और ओवर वाटरिंग का समस्या ना हो, वाटर होल्डिंग की समस्या ना हो, जिससे जो है आपके पौधे की जड़ें जब सड़ेंगी तो जाहिर सी बात है पौधा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहा हमारा गमला, इसमें हमने किसी भी तरीके की वो नहीं ली है मिट्टी। तो मैं बता रहा हूँ आपको ये तरीका एक बेहतर तरीका है, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। मैंने ऐसे भी काफ़ी सारे पौधे अपने लगाए हैं पर मैं ये आपको भी एक दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया तरीका है जिसमें आपको प्लांट की भी क्षति नहीं होगी और रूट भी डिस्टर्ब नहीं होगी और दोनों काम आपके हो जाएंगे। ये रही, इस तरीके से आप भरिएगा पहले तो, और कहाँ तक इसको जो है करना है वो भी आप देख लीजिएगा। और वैसे तो आप कोको पीट के सॉयल लेस मिक्स में भी लगा सकते थे पर मैं अभी इसे नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं इसका रिस्क नहीं लूँगा, अभी मुझे इतना इसका एक्सपीरियंस नहीं है विस्टेरिया प्लांट का, थोड़ा कॉस्टली पौधा है तो इसलिए मैं इसको जैसी मिट्टी में मेरे पास आया था ये नॉर्मल गार्डन सॉयल में ही आया है और वैसे ही आज तक इसमें रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको इसी तरीके की मीडिया के अंदर ही लगाऊँगा। तो ये देखें इस तरीके से हमने ये लगा लिया है और इस तरीके से हम अपने इसको निकाल लेंगे। अब ये हमारा यहाँ पर होल हो गया है तैयार। अब इसको क्या करना है, इस वाले को हमें यहाँ से इस तरीके से देखें, डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम इसे, विद पॉलीथिन के था मगर हमने पॉलीथिन इसकी हटा देनी है, और पॉलीथिन हटाने देने के बाद जो है ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने नीम की खल भी ली है। तो नीम की खल लेना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक दीमक से होते हैं, तो वो नीम की खल के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और ये देखें कितनी ज़्यादा अच्छी मिट्टी, मैं नहीं कहूँगा इसे, देखें ये इस तरीके की बहुत ही एकदम स्मेल वाली मिट्टी है, स्मेल भी नहीं है ज़्यादा नहीं है मतलब थोड़ी बहुत है। तो इस तरीके से आप जो है इस पौधे को ऐसे ही बिल्कुल रख दीजिएगा, मिट्टी को इसकी डिस्टर्ब ना करें, और रेनी सीजन तो निकल चुका है। ये रहा, ये देखें ये इस तरीके से हमने इसको बैठा दिया, तो ये बड़ी आसानी से फिट हो गया है और इसमें किसी भी तरीके का कोई रूट को डिस्टर्ब नहीं हुआ। अभी हमारा तैयार है, अब मैं इसमें पानी दूंगा। पानी कैसे दूंगा, सबसे पहले तो मैं इसमें ये फंगीसाइड है मेरे पास, इसको बोलते हैं कॉपर, ब्लू कॉपर है ये, अच्छा फंगीसाइड होता है। इस तरीके से थोड़ा सा फंगीसाइड दूंगा, अब मैं इसमें पानी दूंगा। तो इस तरीके से आप पानी में मिलाकर भी फंगीसाइड दे सकते हैं, और आप इस तरीके से पहले गमले में डाल दें फंगीसाइड, फिर उसके बाद जो है आप पानी जैसे मैंने दिया वैसे भी दे सकते हैं। ये दोनों तरीके बढ़िया,
और ये एक बेस्ट तरीका है, रूट डिस्टर्ब ना हो। आप इस तरीके से निकालिए पौधे को और इसी तरीके से लगाइएगा, जो कि काफ़ी अच्छा तरीका है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और इसका जो वीडियो अनबॉक्सिंग वाला है वो मैं आपको आई बटन पर दे दूँगा, और वरना आप सर्च करके जा सकते हैं मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके प्यार से कमेंट का इंतजार रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर ज़रूर करें, और घंटे को ज़रूर दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप अपना और अपने पौधों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।